हेलो गाइस, मैं हूं अदनान। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि टिंकर कैट का यूज़ करके। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिंकर कैट ओपन करके क्रिएट न्यू सर्किट पर क्लिक करके इस डेस्क बोर्ड को ओपन करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। अब यहाँ से सर्च करेंगे कंपोनेंट आर्डिनो यूएनओ R3। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सेंसर सेंस करेंगे फोटो रजिस्टर। ये हमारा फोटो रजिस्टर शो हो गया, हमने ड्रॉप कर लिया यहाँ पास। जूम कर लेंगे थोड़ा। अब एक रजिस्टर ले लेंगे, ये एक रजिस्टर को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब हम कनेक्शन करते हैं किसी भी, दोनों में से किसी भी टर्मिनल पे हम लोग एनालॉग A0 पिन कनेक्ट करेंगे। एनालॉग आर्डिनो की A0 पिन से कनेक्ट कर देंगे। और सेकेंड पिन अल्ट्रासोनिक फोटो रजिस्टर की हम लोग VCC से कनेक्ट कर देंगे, आर्डिनो के 5 वोल्ट से। इसको हम लोग LDR भी बोलते हैं, LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर। अब हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस की एक टर्मिनल हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ये हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इसको ब्लैक कर देंगे। और सेकेंड टर्मिनल जो है आर्डिनो की रजिस्टर की सेकेंड पिन जो है वो LDR की एनालॉग पिन पे कनेक्ट कर देंगे। जो एनालॉग पिन आ रही है इसी पे रजिस्टर भी कनेक्ट कर देंगे जो ग्राउंड से होके आ रहा है। अब ये पॉजिटिव को हम लोग रेड वायर कर देंगे, तो इससे समझ में आएगा कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। ये नेगेटिव वायर है, इसको नेगेटिव कर देते हैं। ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड सेक्शन में जाके कोड करेंगे। क्लिक करिए कोड पे, इस पुराने कोड को डिलीट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल पे क्लिक करके क्रिएट वेरिएबल करेंगे। यहाँ पे डालेंगे इनपुट, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए वर्ड में। इनपुट पे करने के बाद ओके करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 ब्लॉक्स जनरेट हो गए हैं। तो सेट इनपुट के ब्लॉक को यहाँ लेंगे, इस डेस्क बोर्ड पे रखेंगे। और आउटपुट पे जाके, नहीं इनपुट में जाके रीड एनालॉग पिन, क्योंकि हमने एनालॉग पिन पे लगाया है, तो रीड एनालॉग पिन, पिन जो भी पिन जिस पिन पे कनेक्ट किया वो पिन यहाँ सेट कर देंगे। हमने A0 पे कनेक्ट किया, यहाँ A0 कर दिया। यहाँ देख सकते हैं कई पिन है A5 तक। अब हम लोग इसकी वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट पे जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर ब्लॉक को यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से वेरिएबल में जाएंगे, इस इनपुट ब्लॉक को हेलो वर्ड पे रख देंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन, ये हमारा कोड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन पे जाएंगे और फिर यहाँ से सीरियल मॉनिटर लिखा हुआ है, इस एरो पे क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। अब देखिए LDR पे हम क्लिक करके जैसे जैसे ब्राइटनेस होगी वैसे वैसे वैल्यू यहाँ चेंज होगी। देखिए जैसे जैसे देखिए ब्राइटनेस बढ़ेगी, मॉर्निंग होगी वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे नाइट होगी वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। इसी वैल्यू को लेके हम लोग इफ कंडीशन कर देंगे। एक LED लगाएंगे, एक LED हम लोग लगाते हैं, एक सिंपल LED एक यहाँ पे लेंगे और एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। रेजिस्टेंस कितने ओम का, 100 ओम का रेजिस्टेंस, 300 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ बस। और रेजिस्टेंस को हम लोग LED के कैथोड पिन से कनेक्ट कर देंगे। और सेकेंड पिन रेजिस्टेंस की हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ये हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव पिन आर्डिनो की 3 पिन से कनेक्ट कर देंगे। 3 पिन से हमने कनेक्ट कर दिया, ये हमारी LED भी कनेक्ट हो गई। फिर से कोड सेक्शन में जाएंगे, इसमें कहेंगे अगर LDR की वैल्यू 6 से अबव हो, 50 से अबव हो, तो हमारी LED ऑन हो जाए। तो हम लोग इफ कंडीशन में जाएंगे, कंट्रोल में जाएंगे, इफ एल्स के ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे
और मैथ सेक्शन में जाएंगे और इक्वल टू का इस ब्लॉक को यहाँ पुट कर देंगे। और देखिए यहाँ पास हम लोग वन की जगह वेरिएबल में जाके यहाँ इनपुट ब्लॉक रख देंगे, क्योंकि सेंसर की वैल्यू को ग्रेटर देन करना है। अगर सेंसर की वैल्यू इक्वल टू करते हैं, अगर सेंसर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू का लेते हैं, सेंसर की वैल्यू अगर 100 से अबव हो तो हमारी एलईडी ग्लो हो जाए। तो फिर आउटपुट पे जाएंगे और सेट इनपुट ब्लॉक को यहाँ पुट करेंगे, एक सेट इनपुट को ब्लॉक यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ सेट पिन 0 है तो एलईडी की पिन किस पे कनेक्ट है, 3 पे, तो हम लोग सेट इनपुट 3 कर देंगे और यहाँ हाई कर देंगे। जब कंडीशन फॉलो होगी तो एलईडी हाई हो जाएगी, जब कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो एलईडी लो हो जाएगी। यहाँ पिन 3 करेंगे और यहाँ लो कर देंगे। जब सेंसर की वैल्यू 100 से अबव हो तो एलईडी ऑन हो जाएगी, लेस देन 100 हो तो ऑफ रहेगी। अब स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और सीरियल मॉनिटर ओपन कर देंगे। देखिए अभी वैल्यू 6 है, फिर एलडीआर पे क्लिक करके जिंदगी वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी, 100 वैल्यू हुई वैसे ही एलईडी ग्लो हो गई। अब फिर से हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, बहुत कम थी वैल्यू, यहाँ कर देते हैं 300। फिर स्टार्ट सिमुलेट करते हैं। अब देखिए वैल्यू जब 300 के अबव होगी तो एलईडी ग्लो हो जाएगी। ये देखिए 300 के अबव हुई, एलईडी हमारी ग्लो हो गई। जैसे 300 के नीचे गई एलईडी हमारी लो हो गई। इसी तरह से हम लोग पार्क में देखते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट लगी है कि शाम होती है एलईडी ऑन हो जाती है, मॉर्निंग होती है तो एलईडी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। आप सब ने देखा होगा पार्क में लगी होती है लाइट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे, आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे। गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड।